आप देख रहे हैं टीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री धामी ने ली अधिकारियों की बैठक। चार धाम और यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं जुटाने के दिए निर्देश। हल्द्वानी में एक घर में ईडी का छापा, घर पर मौजूद लोगों से की पूछताछ। इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया से जुड़े तार, 15 करोड़ डॉलर की अवैध संपत्ति की भी चर्चा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। 53 युवा चिकित्सा अधिकारी मुख्य धारा में शामिल, सबसे ज्यादा केरल और राजस्थान से अधिकारी हुए पास आउट। उत्तराखंड की सियासत में बेरोजगार संघ ने ठोकी ताल, बद्रीनाथ उपचुनाव में उतारेगा प्रत्याशी, 2 से 3 नामों पर हो रही चर्चा। उत्तराखंड में धधक रहे जंगल, 24 घंटे के भीतर वन अग्नि की 54 घटनाएं आई सामने। ग्लेशियरों की सेहत के लिए खतरा बना ब्लैक कार्बन। रुड़की के बेटपुर चौक के पास झोपड़ियों में लगी भीषण आग, कई झोपड़ियां और सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। ऋषिकेश पहुंचा पवित्र गाड़ू घड़ा कलश, श्रद्धालुओं ने किए पवित्र गाड़ू घड़ा के दर्शन। 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। हरिद्वार में दूल्हे को दहेज मांगना पड़ा भारी, दहेज में मांगी 15 बीघा जमीन। गुस्साए दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों को बनाया बंधक, 20 लाख रुपए लेकर दूल्हे और बारातियों को छोड़ा। पौड़ी में बिना किसी सूचना के स्कूल बंद करने पर प्रधानाध्यापक पर गिरी गाज, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक के औचक निरीक्षण में बंद मिला था स्कूल। राजकीय प्राइमरी विद्यालय सिंडी जसकोट के प्रधानाध्यापक निलंबित। श्रीनगर में गुलदार का आतंक, घर के आंगन से बछड़े को उठा ले गया गुलदार, सीसीटीवी में घटना हुई कैद। ज्यादा खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।